अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हम लोग के साथ मैं हूँ अली मुमताज़। नाज़रीन, हमारे मआशरे में बहुत से ऐसे माशरती मसाइल हैं कि जिनके बारे में हम पहले भी कई मरतबा बात कर चुके हैं, और हमेशा हमारी यही कोशिश होती है कि इन पर बात की जाए, जो हुक्मरान हैं उनकी तवज्जो इस तरफ दिलाई जाए, और बहुत से ऐसे लोग जो शायद वो सब अपने सामने उस मसले की तफसील सुनते हैं, वो अपने आप को उससे दूर रखें, उससे महफूज रखें। लेकिन बदकिस्मती है कि वो सब करने के बावजूद फिर भी ये सब होता चला जाता है। लेकिन हमें अपना फ़र्ज़ निभाना है और वो हम निभाते रहेंगे। आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसे ही वाक़े की बात करने जा रहे हैं कि जहाँ पर एक मेहंदी की तकरीब में फायरिंग हुई, और फायरिंग सिर्फ इसलिए हुई कि ये बताया जा सके कि हमारे यहाँ आज खुशी का मौका है, हमारे यहाँ उस खुशी के मौके पे जश्न बहुत ज़रूरी है, ताकि ये ख़बर दूर दूर तक पहुँच जाए। और हमारी नज़र में यही गालिबन एक तरीका बचा है लोगों तक पैगाम पहुँचाने का, या लोगों तक ये तासुर देने का कि आज हम बहुत खुश हैं। लेकिन हम उस वक्त ये नहीं सोचते कि हमारा ये अमल किसी की जान ले सकता है, किसी की खुशियाँ बर्बाद कर सकता है, किसी का घर उजाड़ सकता है, किसी की माँ की गोद को सूना कर सकता है। जिस वाक़े का आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करने जा रहे हैं, इसमें भी एक मेहंदी की तकरीब में, जैसा कि मैंने कहा कि फायरिंग हुई और उसके नतीजे में दो बच्चे जिनकी उम्र 13 साल थी वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये वाक़या कैसे हुआ, करने वाले कौन थे, इस पर हम बात करेंगे। और प्रोग्राम के आगाज़ में हमारे साथ उमैर, जो आज इस दुनिया में नहीं, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि उम्र 13 साल थी, उनके वालिद मौजूद हैं, उनकी वालदा हैं और उनकी दोनों पुप्पों मौजूद हैं, और कल तक इसी घर में, इन्हीं कमरों में, इसी सहन में उमैर चलता फिरता हुआ इनको दिखाई दे रहा था, उसके चेहरे की मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी और उसकी मौजूदगी से घर की रौनक थी। लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं, और उसके वालदैन सिर्फ़ और सिर्फ उसकी बख्शिश के लिए दुआ कर सकते हैं। हम इनके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इनको सब्र जमील अता फ़रमाए, और उमैर जो आज इस दुनिया में नहीं है उसको जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए। लेकिन जहाँ तक वालदैन की बात है तो इनकी आँखों से अब सिर्फ टपकते हुए आंसू दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम वालिद से बात करते हैं। यकीनन हम यहाँ पर आपके पास जो आज आए हैं, एक तो अफसोस के लिए आए हैं और साथ ही इसलिए भी आए हैं कि आपकी आवाज़ जो है वो हमारे कैमरे के ज़रिए, हमारे माइक्रोफोन के ज़रिए हुकाम तक पहुँचे, जो हुक्मरान हैं उन तक पहुँचे, कि कुछ ना कुछ अब ऐसा करना होगा, चाहे वो जितने भी लोगों के पास लाइसेंस है या लाइसेंस के बग़ैर भी असला है, वो असला उनसे वापस लिया जाए, ताकि कोई कभी अपनी खुशी के लिए या अपनी अय्याशी के लिए किसी की जान ना ले। आपका बेटा जब ये मेहंदी की तकरीब थी आपके पड़ोस में, क्या वहाँ पर मौजूद था या अपने घर में था कि जब उसको गोली लगी? सर अपने उन्होंने लागे फुफो का घर से, लागे चाचे का घर से सर, उधरों गया था सी जी। बेटा मेरा उन्होंने घर चल गया बच्चों के नाल खेडता जी। उन्होंने साहब जी फैर गोली चलाई है, वो मगरली खंड च लगी है जी गोली, और उन्होंने शराब पीती थी सर जी, बिच ही उन्होंने नजायज असले भी चलाया, और बिच पिस्टल वैशन भी है, कार पीन भी उन्होंने चलाई है 12 बोर भी जी। और साहब जी जो उन्होंने बच्चे हो गई उन्होंने फैर लग गए, फिर भी उन्हें शराब पी के ढोलियाँ कह भी ढोल बजाओ, फैर उन्होंने लागन कि आहर आ गई है जी। फिर भी साहब जी उन्होंने अपना मशहूर पूरा ही किया जी। यदारना मेरे इंसाफ चाहिए सर जी, मैं गरीब आदमी एक मजदूर है, मेरा एक 13 साल वाला बच्चा है जी, सतवीं क्लास च है जी। कौन सी क्लास में था? सतवीं क्लास च सर जी। सर जी मेरे इंसाफ चाहिए, मैं एक मजदूर आदमी है जी। खेती बाड़ी करते हैं और इसी से घर का निजाम चलता है। सर जी सर खेती बाड़ी करना सर जी, और मेरे निके निके बच्चे जो है मेरी बीवी,
मेहनत मजदूरी करके मैं अपने बच्चों का पेट पालदा जी। है मेरा एक कमरा सर जी, मेरा और कोई नहीं सर जी कमाना। आप आपका बेटा पढ़ रहा था, सातवीं जमात में था। यकीनन जो बच्चा स्कूल जाता है और स्कूल जाकर किताबें पढ़ता है तो यकीनन उनके जहन में बहुत सी चीज़ें आती हैं, मुस्तकबिल में क्या करना है, मुस्तकबिल के क्या इरादे हैं। आपका बेटा मुस्तकबिल में क्या करना चाहता था? वो सर जी यही कहना, मैं बाप तेरा आसरा बनागा, मैं कमाई करागा, मैं तेरा भरा तेरे भरा बनागा, मेरा आसरा ही है सर जी। जो मेरा पुत टुर गया मेरा लक तोड़ माने वाला सर जी, मैं मर गया ना, मेरा जीना मुश्किल कर दिता सर जी। मेरी पुलिस भी नहीं सुनती पी जी, मैं नहीं पैसे। पुलिस क्यों नहीं आपकी सुन रही, क्या कहते हैं सर जी? मैं पैसे नहीं दे सकता, मैं कितों उन्होंने गड्डिया जी तेल पावा जी, मैं आए गए पानी का घुट पावा फुफिया जो, मैं पुलिस वाले का तेल पवा के सर जी उन्होंने रेट करावा, मैं की करा सर जी? राती भी मेरी डेड बॉडी उत्थे पई दी, मेरी नहीं सुनी जी, तो मेरी मेहनत ही है मेरी फरियाद सुननी चाहिए, और कोई नहीं सर जी। जैसा कि अभी कहा उमैर के वालिद ने कि वो इनके बुढ़ापे का सहारा था और उसका यही कहना था कि मैं पढ़ लिख कर अपने वालिद का हाथ बटाऊंगा, उनका सहारा बनूंगा, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं, और आज अपने ही बेटे को अपने ही हाथों से लहद में उतारा। मुझे ये बताइए कि जिस घर में ये वाकया हुआ उनकी तरफ से कोई आपकी तरफ अफसोस के लिए आया? नहीं सर जी, कोई नहीं आया जी, सर जी कोई नहीं आया। सामने ललकार दे पेन सर जी, सामने ललकार दे जी, उमें फैर और उन्होंने कोई बदमाश है जिन सामने आ के उन्होंने डंगर पानी डाण डेन पट्ठे पाने, मेरे सर जी माला भुखा खलोता था जी। ना मेरा कोई भाई वड्डा हैगा जिन्हें मेरे ना कोई दुख बना, पोतरा क्यों इस तरह की, मैं पोतरे सहारे उड़े फिर सी, मेरा वीरा मेरा पोतरा बड़ा ही आसरा, मैं अखा धोनी जाए मैं अखा धोनी अगे चिटा मोतिया उतरिया, मैं पैसे तो लाज नहीं करा सकती, अगर पुत बड़ा होएगा मेरा लाज हो जाएगा, मेरा पुत कभी मां मैं तेरे यहाँ पे लाज करना, मैं बड़ी दुखी आपदा, आप ये सुन भी रहे हैं देख भी रहे हैं कि वालदेन पर क्या बीत रही है, और जिस मकान में ये रिहाइश पजीर हैं, ये एक कमरा है और इस कमरे की क्या हालत है वो भी साफ नज़र आ रही है, गुर्बत है, और इन हालात में ज़िंदगी बसर कर रहे थे, इनके लिए इनका बेटा सब कुछ था, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं, और उस गोली का निशाना बना जो उन औबाश नौजवानों ने चलाई जो जिनका जिन्होंने नशा किया हुआ था और मेहंदी की तकरीब में फायरिंग की, और आज उमैर के घर वाले सिर्फ उसको याद कर रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं और इंसाफ के तलबगार हैं, और साथ में ये भी बार बार कह रहे हैं कि हमें डराया धमकाया जा रहा है, हमें ललकारा जा रहा है। ये हमारी बदकिस्मती है कि अगर हम इन लोगों की आवाज़ ना बने, इन लोगों का साथ ना दें, इन लोगों का हाथ ना बटाएं, इन लोगों के कदम के साथ कदम ना मिलाएं, तो ये हमारी बदकिस्मती है। हमारे साथ पुप्पू भी हैं, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। मुझे ये बताइए कि आप भी उस वक्त घर में मौजूद थीं, अपने घर में थीं या शादी वाले घर में थीं जहाँ पर मेहंदी थी? हाँ जी, हाँ साढ़ा घर लग गया उन्होंने,
ਅਸੀਂ ਗਏ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਦਾ ਚੁੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨੀ, ਕੋਈ ਨੀ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਪਹਿਲੋਂ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਚੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਲੱਤ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਲ ਨੀ ਸੁਣੀ ਸਾਡੀ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਜੜ ਗਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨੀ ਕੱਖ ਛੱਡਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਮਾਰਤਾ। ਸਾਡੇ ਜੀ 2-3 ਵਾਕਿਆ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੀ ਸ਼ਰਾਬੀਏ ਨਸ਼ਿਆ ਵੇਚਦੇ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਬੀਏ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਨੀ ਆਏ, ਫੈਤਿਆ ਕਹਿਣ ਨੀ ਆਏ, ਕੋਈ ਨੀ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਘਰ ਮੇ ਹਰ ਆਂਖ ਅਸ਼ਕ ਬਾਰ ਹੈ ਔਰ ਸੂਰਤ ਆਲੀ ਕੁਛ ਐਸੀ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਕਭੀ ਕਿਸੀ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਕਵਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕੋ ਮੇ ਹਮ ਗਏ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਮੇ, ਸਿੰਧ ਮੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੇ ਕਭੀ ਕਿਸੀ ਬਾਪ ਕੋ ਇਤਨਾ ਤੜਪਤਾ ਹੁਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ। ਔਰ ਯੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕੇ ਸਾਥ ਆਪਕੋ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਐਸਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਪਰ ਇਨਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੂੰ ਤੋ ਯੇ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਯੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁਮਲਾ ਨਾ ਕਹਿਤਾ ਅਗਰ ਯੇ ਹਕੀਕਤ ਮਰ ਮਬਨੀ ਨਾ ਹੋਤਾ। ਮੈਨੇ ਕਭੀ ਕਿਸੀ ਬਾਪ ਕੋ ਇਤਨਾ ਰੋਤਾ ਇਤਨਾ ਤੜਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਾਥ ਜੋੜ ਕਰ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਏ, ਹਮੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਏ। ਯੇ ਐਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਯੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਸ਼ਖਸ ਯਹਾਂ ਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਯੇ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੈ ਮੁਝੇ ਮੁਲਕ ਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਯਾ ਸਦਰ ਬਨਾਨਾ ਹੈ ਬਨਨਾ ਹੈ ਯਾ ਮੁਝੇ ਮੁਲਕ ਕਾ ਅਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦੇ। ਯੇ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਕਿਸ ਬਾਤ ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ 13 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਕੇ ਕਤਲ ਔਰ ਕਾਤਲੋਂ ਕੋ ਪਕੜਨੇ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਾਤ ਹੋਗੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਕੇ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਇਸੇ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿਫ ਜੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰ ਦਿਉ, ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਇੱਕ ਪੁੱਤ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਉ। ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਤੜਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਕਰ ਗਿਰਾ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖੜਾ ਸਰ। ਔਰ ਯਹੀ ਵੋ ਮਟਕੇ ਹੈ ਜਿਨਮੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਥੀ ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੀ ਮੇ ਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਨਿਕਾਲ ਕਰ ਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਥੀ। ناظرین وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید پروگرام ہم لوگ، اور جس گھر میں بھی موجود ہوں اسی گھر میں کل تک عمیر موجود تھا لیکن آج نہیں۔ پڑوس میں ہی مہندی کی تقریب تھی، اس تقریب میں موجود تھا اور باش نوجوان تھے، نشہ کیا ہوا تھا، شراب کے نشے میں دھت، اسلحہ پاس تھا، فائرنگ کی اور وہ گولی جا کر عمیر کو لگی۔ یہاں پر والد بار بار صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ میرے مسلمان بھائی ہیں، اگر آپ کے بھی اس طرح سے بھائی ہیں بچے ہیں تو آپ ہی میری سن لیجئے اور مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف انصاف دلوا دیجئے۔ یہ اگر اتنا کوئی فریاد کر کر کے ایک ملک میں کوئی شخص اس ملک کا ہی رہنے والا ہے، اس ملک کا شہری ہے اور انصاف مانگ رہا ہے اور اس کو انصاف نہ دیا جائے تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی، یہ اس ملک کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اگر لوگوں کا اعتماد بحال کرنا ہے تو اس طبقے کی آواز کو سننا ہوگا، اس طبقے کی آواز کو دبانا نہیں ہوگا بلکہ ان کی اٹھتی ہوئی آواز پر جواب دینا ہوگا، ساتھ دینا ہوگا۔ ہمارے ساتھ پپو موجود ہیں، وقفے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی اس کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے بتایا کہ آپ کا بھی بیٹا اسی طرح سے قتل ہوا تھا، تو اس کے بعد کیا آپ کو انصاف ملا؟ نہ، کوئی نہیں ملا، کوئی سانوں انصاف نہیں ملیا، اسی بس
इंसाफ मंगना चाहने ते मेरा पहलो बेटा कतल कर छड़िया दिने दोपहरे 11 बजे, बाद च मेरे भाई दा बेटा, कोई इंसाफ नहीं किया पुलिस ने, साड़ी सुन दी नहीं कोई भी पुलिस, बस पैसे मंगते सानू दो, असी तो बहुत ही जलील हो गए, साड़ी कोई सुनता ही नहीं। पहले मेरा बेटा मेरे बाद च मेरे भाई दा बेटा भी, हूँ वह भी कोई इंसाफ नहीं कर दी पुलिस, असी तो इंसाफ मंगना चाहते हैं, गरीब लोग हैं, साड़ी कोई नहीं सुन, की करिए सानू, किसी एमए ने, किसी एमपीए ने, एमपीए ने, किसी इलाके के किसी बड़े ने आकर कोई साथ दिया हो आपने? ना, किसी ने नहीं सुनी, कोई नहीं आया, ना किसी ने साथ दिता, बस ऐ नशा ही है, नशा पी के ते इन्होंने अगे भी मेरे बेटे दे भी गोली चलाती, मेरे भाई दे बेटे दे भी चलाती, किसी ने नहीं साड़ी गल सुनी, कोई चौधरी नहीं, कोई एमएनए एमपीए नहीं, साड़ी किसी ने गल नहीं सुनी। वो इसे तो धमकियां लाते ने पी लिफ जे, मैं की कर, मैं कहा मार दो, मेरा अगे मार है एक पुत, मैनू भी मार दो, मैं साहब जी इंसाफ चाहना। आपका बेटा होश में था जब आप वहां पर पहुंचे? मरे खड़ा साहब, आपका बेटा, छोटा बेटा आपका, आज अपने भाई का नाम ले लेके भाई को ढूंढता रहे, भाई को आवाज देता रहे? साहब जी बड़ा ही रोया मेरा पोता, मेरा पोता बड़ा ही रोया, जो गले लग लग मेरे पोते गले लग लग के रोते, भाई ने नहीं आना, बुआ चल गया लामिया को, लामिया को टुर गया मेरा पकाना भाई। मेरे तो साहब मेरा मैं साथ दे, और मैं कुछ नहीं मांग रहा, बच्चों के वास्ता कर। आपकी बहन का बेटा भी इसी तरह से कत्ल हुआ था, और अभी मैंने उससे जब सवाल पूछा कि क्या आपको इंसाफ मिला, तो उनका कहना था कि बिल्कुल भी नहीं मिला, नहीं ना मिला कोई कार्रवाई, जमींदार आया पूछने के लिए, ना किसी एमपीए ने आके पूछा, ना एमएनए ने पूछा, ना पुलिस ने इनकी फरियाद को सुना, तो फिर आपको इंसाफ कैसे मिलेगा? साहब जी फिर तुम भराए मिला लो, नहीं तो रब तो डोरियां दे है ना सर। चले, हम इस बात का अगर आपसे यहाँ पर आज वादा करते हैं कि हम आपकी हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपको इंसाफ मिले, लेकिन इस तरह के वाकयात में अक्सर ऐसा होता है कि आप पर वो दबाव डालेंगे, आपको डराएंगे, धमकाएंगे, जिस तरह वो भी कर भी रहे हैं जी सर, तो कल को हो सकता है कि आप से अगर आके वो मिन्नत समाजित करें तो आप ही उन्हें माफ़ कर दें। साहब जी नहीं, साहब जी मैं नहीं करूँगा, मैं इंसाफ लाऊंगा, मेरा जो अल्लाह पाक दे हुक्म ना, जो उन्होंने हुक्म कोई होएगा, मेरे बच्चे वाल नहीं वेख्या, मेरे गरीब वाल नहीं वेख्या, और शराब पी के सामने ललकार दे रहे, मैं की कर सकना, माफी दे सकना सर, एक तुहाडा ही बच्चा होवे, मैं ही एक मुजरम तुहाडे नाल करदा, तुसी मैनू माफी दोगे? मैं तुहानू ललकारा, तुसी जिन्ने मर्जी गरीब हो, मैं तगड़े हो, मैनू माफी दोग? ये है आज का पाकिस्तान, ये है आज का पाकिस्तानी जो हाथ जोड़ जोड़ कर फरियाद कर रहा है इंसाफ के लिए। ऐसा मुतालबा भी नहीं है जो ना हो सके, नामुमकिन बात नहीं कर रहा है, मुमकिन बात कर रहा है, अपने हक की बात कर रहा है, और अगर अपने हक की बात करेगा और इसको इसका हक नहीं दिया जाएगा तो नतीजा यही निकलेगा कि ये फिर अपना हक कानूनी तरीके से नहीं बल्कि खुद हासिल करेगा, कानून अपने हाथ में ले लेगा, जो कि यकीनन हम कभी नहीं चाहेंगे। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और बढ़कर आपको वो जगह दिखाते हैं जहां पर ये मेहंदी की तकरीब थी और जहां पर 13 साल उमेर को गोली लगी।
जी अब हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर 13 साला उमेर को गोली लगी और इसी जगह पर ये मेहंदी की तकरीब हो रही थी, यहीं पर इंतज़ाम किया गया था, यहीं पर टेंट लगे हुए थे और ये सामने वो जगह है कि जहां पर बच्चे की डेड बॉडी मौजूद थी और उसको कमर में गोली लगी थी। यहां पर जो लोग मौजूद थे उनमें से एक साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम तफसील जानते हैं। बच्चे को कमर में गोली लगी और यहीं पर बच्चा खड़ा हुआ था या जब गोली लग गई तो लगने के बाद तड़पता हुआ आके यहाँ पर गिरा? वो बच्चा जो है ना तड़पता हुआ आकर गिरा है, गोली जो है ना वो बच्चा साइड पे खड़ा था, जब वो नीचे वो ऐसे जो खोखे गिर रहे थे, बच्चे खोखे उठाने के लिए नीचे दोनों बच्चे गिरे हैं। तो ये पहला फायर था जो पिस्टल से किया गया, इससे पहले भी कई फायर किए? वो तकरीबन आधा घंटा पहले भी ये फायरिंग करते हुए वो अपनी मौज मस्ती में थे, ढोल बजा रहे थे, जो भी कर रहे थे, हम भी साथ खड़े थे, थोड़ा साइड पे खड़े थे क्योंकि उनके साथ नज़दीक ना जाएं कि फायर हमें भी लग सकता है। हम साइड पे खड़े थे, जब बच्चे गिरे हैं तो हमने ये देखा है कि कोशिश की है कि ये बच्चे कौन से हैं। उनमें एक मेरा वो भांजा ही लगता है जो अमेर रजा है, हमने आकर वो अपने बच्चे को पहचाना, लेकर उसको गए हैं। ठीक है, उमेर रजा के साथ दूसरा बच्चा भी था, उसकी उम्र भी 13 साल थी, तहजीन जी। तो वो बच्चा वो भी उसी वक्त वहीं पर मौके पे उसका उसकी डेथ हो गई थी या अस्पताल उसको लेकर गए जख्मी हालत में था? नहीं, जख्मी हालत में, दोनों जख्मी हालत में हमें उठाकर लेकर गए हैं। यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर तक गए हैं, तो पहला बच्चा जो तजीम था उसकी डेथ हो गई, जब तकरीबन आधा किलोमीटर आगे गए हैं तो दूसरे की भी हो गई, हॉस्पिटल से पहुँचने से पहले उनकी डेथ हो गई। और ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये जो जगह है ये खुली जगह है, यहाँ पर रात के अंधेरे में दिखाना पूरा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपको अंदाज़ा हो रहा है, एक आइडिया मिल रहा है कि यहाँ पर ये खुली जगह है, तो लिहाजा यहीं पर ये इंतज़ाम किया गया था इस तकरीब का। यहाँ पर आपको मुख्तसरन ये तफसील भाई ने बताई और आपको वो जगह भी दिखाई कि जहाँ पर ये दोनों लड़के मौजूद थे, और आगे बढ़कर आप बता रहे हैं कि वो जो शराब पी रहे थे वो मटकों में थी, वो किधर है मटके? वो मटके साथ ही पड़े हैं, उनके घर में थे, आज उन्होंने दिन को निकाल कर उस साथ एक तालाब सा है उसमें फेंके हैं, उसी में से उस शराब बनी है उनके घर में, और ये साथ ही एक तालाब है उसमें उन्होंने आज दिन को तकरीबन सबके सामने उन्होंने निकाल कर फेंके हैं, वहाँ पे निकाल कर आप उन्होंने शराब फेंकी। मुझे ज़रा वो दिखाइएगा कि जो मटके अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, और ये यहाँ पर वही अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि कराची में भी ऐसा वाक़या हुआ जहाँ पर कच्ची शराब पीने के नतीजे में ईद के मौके पर बहुत से लोगों की वफात हुई, बहुत से लोग मारे गए और फिर उसके बाद पकड़ दकड़ भी हुई, लेकिन कहीं पकड़ दकड़ होती है कहीं नहीं होती, और यहाँ पर भी ये भाई तफसील बता रहे हैं कि मटकों में शराब थी, यानी कि काफ़ी बड़ी तादाद में थी और तैयार भी यहीं पर हो रही थी, उससे जाहिर होता है कि ये भी ये कच्ची शराब हुई ना फिर? तो ये जनाब कच्ची शराब है, ये अपने घर में बना रहे थे। अच्छा। उसी में से ये इन्होंने सब नशा किया है, और हम जब बच्चे उठा रहे थे उस वक्त भी उन्होंने ये कोशिश नहीं की कि हम इन बच्चों के साथ जो है फायरिंग बंद कर दें। अच्छा। उन्होंने फायरिंग नहीं बंद की और उसके बाद ढोल भी उनके बजते रहे। और यही वो मटके हैं जिनमें शराब बनाई जा रही थी और फिर इसी में से शराब जो है वो निकाल कर पी जा रही थी। ये बिल्कुल उसी तरह की सूरत हाल है जिस तरह हमने कराची में ईद के मौके पे देखा था। अभी मैंने आपको उसकी तफसील भी मुख्तसरन बयान की कि बहुत बड़ी तादाद में लोग मारे गए कच्ची शराब पीने के नतीजे में, लेकिन यहाँ पर कच्ची शराब पीने वाले या बनाने वाले नहीं मारे गए, बल्कि उसके पीने के नतीजे में 2-13 साल बच्चे थे उनकी जान ले ली गई। ये आप देख रहे हैं कि ये मटके हैं जिनके अंदर शराब बनाई जा रही थी और इसमें भरी जा रही थी और फिर भर भर के इसको इस्तेमाल किया जा रहा था, और जश्न था, और उस जश्न में अपनी खुशी में अपनी अयाशी में ये याद ही नहीं रहा कि उनकी ये अयाशी जो है वो कितनी महंगी पड़ सकती है, उनकी ये अयाशी किसी का घर बर्बाद कर सकती है। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं मुतलका थाने में, जहाँ पर पुलिस से हम मालूम करेंगे कि उनका वर्जन क्या है, उनकी तरफ से क्या दफात लगाई गई हैं FIR में, और उन दफात के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान को क्या सज़ा होगी, और वहाँ पर जो मुलजमान गिरफ्तार हुए हैं उनसे भी हम बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। अभी भी लग रहा है कि तुमने शराब पी, लगता है नशा उतरा नहीं है? नहीं, ये अभी भी नशे में ही है लगता, तो जैसा ही है कि नशे में। फायरिंग करने की जरूरत क्या थी, सबको बताना था जरा, बड़े बदमाश हो, टैक है तुम्हारा? नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुश आमदीद प्रोग्राम हम लोग, और आज के प्रोग्राम में हम इस अफसोसनाक वाक़े की बात कर रहे हैं कि जहां पर
दो बच्चे जिनकी उम्र 13 साल थी, उमैर और तजीम, दोनों को गोली लगी। और ये एक मेहंदी की तकरीब थी जहां पर फायरिंग की गई खुशी में, जश्न में, और इन दोनों बच्चों को ये गोली मारने वाले 3 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं, पुलिस की हिरासत में हैं। उनमें से एक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, जाहिद, इससे हम बात करते हैं। जाहिद, जब ये फायरिंग का वाकया हुआ, जब तुमने गोली चलाई, तो ये असला तुम्हारा अपना है? ये अपना। लाइसेंस है? लाइसेंस। लाइसेंस लिया हुआ है? हाँ। और उस वक्त तुमने शराब पी हुई थी? हाँ। अभी भी लग रहा है कि तुमने शराब पी है, लगता है नशा उतरा नहीं है? नहीं, हाँ ठीक है। नशा उतर गया? कितने अरसे से शराब पी रहे हो? नहीं पीते नहीं, पहली अरे पीते। पहली बार? हाँ। खुद पी थी या किसी ने पिलाई थी? बस 15-20 लोग थे, पी रहे थे। तो घर में ही बनी थी, कच्ची शराब थी? पता नहीं जी, कच्ची था पक्की था, बाकी पी लाई सी। और कितनी देर तक पीते रहे? थोड़ी जी पीती जी, नहीं पी सकते। ये तो मालूम था ना कि शराब पी रहे हो, ये तो जानते थे ना? और उस वक्त जो असला तुमने इस्तेमाल किया, तुमने कहा कि लाइसेंस है उसका? हाँ जी, लाइसेंस है उसका। तुम ये कहते हो कि लाइसेंस है जी? चलो, ये तो अभी हम तफ्तीशी से बात करेंगे, तो उनसे हम पूछ लेंगे कि वो असला जो तुम्हारे पास था, क्या वो पिस्टल मिला है नहीं मिला है, और दूसरा लाइसेंस था या नहीं था। साथ में पिस्टल के अलावा क्लाशनकोव भी थी? नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पिस्टल थी। कितने लोग थे इकट्ठे, तुम लोग कितने थे सारे वहाँ पर, जो शराब भी पी रहे थे और फिर फायरिंग भी करते रहे हो? मंजी 3 लोग थे। सारे शराब पी रहे थे? सारे पीते, असला थोड़े को थे। असला किस किस के पास था? ये नहीं पता, बाकी 5-4 बंदे साथ चला रहे हैं ना उसने। तो फायरिंग करने की ज़रूरत क्या थी, सबको बताना था? जरा बड़े बदमाश हो, टैक है तुम्हारा। खुशी से था। खुशी? खुशी। तो वो खुशी जो तुम्हारी खुशी थी, तुमने ये सोचा नहीं था कि तुम्हारी खुशी की वजह से किसी के घर में सफाए मातम बिछ जाएगा, वहाँ पर उनका बच्चा मारा जाएगा, उनके घर की खुशियाँ जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगी, एक माँ की गोद जो है वो उजड़ जाएगी? बच्चा नहीं ना सोच काम करती। कितनी उम्र है तुम्हारी? 22-23 साल। 22-23 साल है। तो तुमने, तुम्हारी नज़र में वो 22-23 साल की तुम्हारी उम्र, और दूसरी तरफ उन दोनों बच्चों की उम्र, उमेर की, तजीम की, तजीम तो तुम्हारा रिश्तेदार भी है ना? मेरी बुप्पी है पुत्र। तो तुमने एक तरफ जो है वो पड़ोसियों के बच्चे को मार दिया जो गांव में ही रहते हैं, और एक तुमने अपनी, आपने बताया कि जी पुप्पी हैं, उनके बच्चे को मार दिया? बस पता ही नहीं लगा, जब पता लगे कंधा दिल करता है काम में, डा खुशी जा मतलब परेशानी बने, क्यों बने। तो अगर इतना ही शौक था गोली चलाने का, तो कहीं इस तरफ यूं रख के चला देनी थी, यूं रख के चला देनी थी, यूं सामने रख के क्यों चलाई? जनाब ये तो पता ही नहीं भी बच्ची किन का, ये नहीं पता कि किसकी चल। लेकिन तुम भी तो उनमें से थे ना जो फायरिंग कर रहे थे? मैं हाँ जरूर से, पर मैं उत्तर फेल आ लें जी थोड़ा यहाँ, मगर वो पता लग गया जी फैल। काम क्या करते हो? मैं चांद गाड़ी चला। अच्छा, तुम्हें अभी अफसोस है इस वाक़े का? बड़ा अफसोस है। लग तो नहीं रहा है? नहीं। ज़रा गौर से कैमरे पे हम दिखाते हैं ना, जरा इसकी आंखें गौर से ज़रा दिखाएं, इसकी आंखों में, आंखें तो झूठ नहीं बोलती हैं ना, बड़ा पक्का होना पड़ता है, बड़ी कोशिशों के बाद जाके कहीं फिर उस मकाम पे पहुंचोगे जहाँ आंखों से भी झूठ बोल सको। आंखें तो झूठ नहीं बोलती हैं ना। अब तुम्हारी आंखें जो हैं वो सब कैमरे में देख रहे हैं, ज़रा इसकी आंखों पर फोकस किया जाए तो देखें ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, कि इसको अफसोस है या नहीं। तुम्हारी आंखें ये बता रही हैं तुम्हें कोई अफसोस नहीं? इसी में अफसोस क्यों नहीं होना? कोई अफसोस नहीं है? एक दफा फिर दिखाएं तुम्हारी आंखें, झूठ बोल रही हो तुम, तुम्हें जरा अफसोस नहीं है? हमारे साथ जी यहाँ पे तफ्तीशी भी मौजूद हैं, वर्क साहब, इनसे बात करते हैं। यूसुफ वर्क साहब, जरा करीब आइएगा, मुझे ये बताएं कि ये इसका नशा भी उतरा या नहीं उतरा? अभी इसे 1 घंटा हुआ लेकर आए हैं। ये अभी भी नशे में ही है? लगता तो जैसा ही एक नशे में। तो इसका नशा उतारने के लिए आपके पास क्या हर्ब है? हमारे पास लेकिन अभी वो हरबा जरा मुझे भी बता देना, क्योंकि दो बच्चों को मारा है, गोली चलाई है, दो 13 साल के बच्चे थे, मासूम बच्चे थे, अभी उन्होंने दुनिया देखनी थी, इसकी अपनी उम्र तो 22-23 साल है, और वहाँ से बैठ के मज़े से अपने दोस्तों के साथ अयाशी कर रहे थे, शराब पी रहे थे, और हाथ में पिस्टल थी, और कहते हैं जी खुशी थी, ऐसी खुशी तो भाड़ में जाए कि जिसके नतीजे में जो है ये किसी के घर में जो है वो। तो आप इसका नशा कैसे उतारेंगे? सुबह तक उतर जाएगा सर नशा। वही तो कह रहा हूँ, जरा बताएं तो सही ना कैसे। नहीं वो इधर बताया नहीं जा, तबीयत साफ करेंगे, रात को जगा के रखेंगे जी। वो आप क्या कहते हैं, वो आप जगाएंगे, इधर खड़ा रखेंगे, वो आप क्या कहते हैं उसको, वो क्या कहते हैं, सेका लगाएंगे?
बस एक कसम ही। अच्छा मुझे ये बताएं वीर साहब कि आपने जो FIR दर्ज की है वो कौन सी है, उसमें क्या दफा दर्ज हुई है? उसमें 302 है और 148/49। अच्छा 302 तो कत्ल की हो गई, जो दूसरी है 148/149 वो 5 आदमी है इसलिए। वो किसने? 5 आदमी है इसलिए। 5 आदमी है इसलिए। तो जो इन्होंने शराब पी हुई थी या जो इनके पास असला था उसके हवाले से कोई FIR में दफा नहीं आपने लगाई? नहीं वो जिक्र तो आएगा लेकिन 302 से बड़ा तो नहीं है वो। असला मिला इनका? असला भी मिल जाएगा, ये आ गए हैं। अभी मिला नहीं है असला? ये कहता है जी मेरे पास लाइसेंस शुदा असला है। वो देख लेंगे लाइसेंस शुदा हुआ जो भी। अच्छा जाहिद मुझे ये बताओ ये जो असला ये किधर छुपाया, किधर है? कोई पता नहीं जी। किसको पता होगा? क्या मुझे पता होगा भाई, तुम्हें पता होगा ना? ये नशे से होगा, नहीं पता। हाँ तुम्हें नशा है, तुमने ये सारा काम किया, करने के बाद वहाँ से भाग गए थे, फरार हो गए थे। हाँ ये पता है कि गोली लग गई है लिहाजा यहाँ से भाग जाओ, ये नहीं पता है कि वो जो पिस्टल है उसको कहाँ पर फेंका है या कहाँ पर दबाया है, कहाँ पर छुपाया है, ये नहीं तुम्हें पता? ये वीर साहब वहाँ से मौके से फरार हो गए थे ना जी, और फिर आपने कहाँ से पकड़ा इनको? इनको अभी पकड़ कर लाए तो गाँव से ही कहीं आगे फिर छुप गए थे। तो दो और भी आपने लोग पकड़े हुए हैं, वो दो कौन है? वो भी इनके रिश्तेदार हैं। और जो नामालूम हैं जो अभी तक नहीं गिरफ्तार हुए उनको भी ट्रेस कर रहे हैं। तो वो कब तक उनकी गिरफ्तारी मुमकिन होगी? एक दो दिन तक वो भी हो जाएगा। मरकजी मुलजिम इनमें से कौन है? मरकजी मुलजिम यही है। यही है मरकजी मुलजिम। अभी ये वृक्ष साहब से मैंने पूछा, उनका ये कहना है कि तुम मरकजी मुलजिम हो। मरकजी मुलजिम समझते हो क्या होता है? जिसने असल में वो वारदात की होती है, जिसने असल में वो जुर्म किया होता है, यानी कि सारी जिम्मेदारी तुम पर आती है। और इस केस में अगर तुम्हें मरकजी मुलजिम कहा जा रहा है तो इसका मतलब है कि गोली भी तुमने चलाई है, तुम्हारी गोली से। तुमने तो अभी कहा है मुझे पता ही नहीं है, फिर इतने यकीन से किस तरह कह सकते हो? नहीं यूं सर मार के यकीन से कैसे कह सकते हो? नहीं ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मेरा ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हो गया ना, ये कब तक कहते रहोगे ऐसा नहीं हो सकता वैसा नहीं हो सकता? भाई ऐसा हो गया ना, वही बच्चे जो कल मुस्कुराते हुए तुम्हें नजर आ रहे थे, जो वहीं पर चल फिर रहे थे, जो वहाँ पर मेहंदी में जो ढोल बजाया जा रहा था उस पर हो सकता है कि कहके लगा रहे हों, रक्स कर रहे हों, वही तुम्हारे सामने, सोचा था कि कुछ मिनट के बाद ये होने वाला है, वही तुम्हारे सामने वहाँ पे तड़पते हुए मर गए। पढ़े लिखे हो? तो अब इस जुर्म की तुम्हें क्या सजा दी जाए? वीर साहब ये बताएं इस तरह के वाकयात तो पहले भी कई मरतबा होते हैं, तो क्या बाद में फिर इस तरह के लोग छूट जाते हैं या जेल में ही जिंदगी गुजारते हैं, क्या होता है? वो छोड़ देना या ना छोड़ना वो तो अदालत का काम है, हमारा काम तो ये केस मुकम्मल करके भेजना। आपका काम है केस मुकम्मल करके, बाकी फिर अदालती कार्रवाई है। वो अदालती कार्रवाई है, ठीक है। वीर साहब आपको तो ऐसा होता है सुलह हो जाती है अफ्रीकन में, वो सुलह की सूरत में छूट जाते हैं लोग, अगर सुलह ना हो तो फिर सजा हो जाती है। ठीक है वीर साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हमने इस अफसोसनाक वाक़े की बात की कि जिसमें दो बच्चे उमैर और दूसरी तरफ तज़ीम, इन दोनों को गोली लगी और ये दोनों बच्चे आज इस दुनिया में नहीं हैं। और ये एक मेहंदी की तकरीब थी जहां पर ढोल बज रहा था, खुशी थी, और वहां पर ये जाहिद और इसके साथी अपनी अयाशियों में मसरूफ़ थे, शराब पी रहे थे, हाथ में असला था, और इनके मुताबिक खुशी यही थी कि हवाई फायरिंग की जाए, लेकिन उसी दौरान दो गोलियाँ ऐसी चलीं जो सामने ही ज़मीन पर खड़े बच्चों को लगी और वो दोनों बच्चे वहीं पर तड़पते रहे, वहीं पर उनका खून बहा। और ये सब करने के बाद जाहिद और इसके साथ ही मौके से फरार हो गए। और अभी जाहिद की क्या हालत है वो तो आपने देख लिया, पछतावा तो है ही नहीं, सिर्फ ये कहने की बात है कि बड़ा दुख है, बड़ा अफसोस है, और रो भी रहा हूँ, रोता रहा हूँ, रात को सो नहीं पाया हूँ कि जी ये सब कुछ मैंने कर दिया। लेकिन हकीकत ये है कि इनके जहन पर इसका असर तब तक है, या अगर पछतावे का इजहार भी है तो वो तब तक पछतावे का इजहार है कि जब तक ये हवालात के पीछे बंद हैं, जब तक हवालात पर इनके दोनों हाथों में इस तरह से ये सलाखें मौजूद हैं तब तक अफसोस है, तब तक दुख है, या जब तक जेल में रहेंगे तब तक अफसोस है, जब रिहा हो जाएंगे तो फिर इनकी नज़र में यही होगा कि हाँ इतना बड़ा वाकया हो गया, दो बच्चे मारे गए, दो घर बर्बाद हो गए, दो माओं की गोद जो है वो उजड़ गई, और बस ये कुछ अरसे की, कुछ महीने की ये सख्तियाँ थी जो मैंने जाके जेल में या हवालात में मैंने बर्दाश्त की, और उसके बाद मैं फिर आज़ाद फिजाओं में सांस ले रहा हूँ। तो कितना बड़ा मसला नहीं है, बस ये मुल्क में इसी तरह ही होता है कि माफ़ी तलाफी हो जाएगी, जाके उनसे माफ़ी मांग ली जाएगी, या उनको डरा धमका के मामले को किसी तरह रफा दफा किया जाएगा, क्योंकि वो गरीब हैं, वो बार बार
थानों के चक्कर भी नहीं लगा सकते, वो बार बार अदालतों के चक्कर भी नहीं लगा सकते। हम जाएंगे, हम जाके सरकारी खर्च पर पलेंगे, जेल में जाएंगे वहाँ पर सरकारी रोटी मिलेगी, और सरकारी गाड़ी में आएंगे, अदालत में पेशी भुगतेंगे, फिर वापस जो है वो जेल में चले जाएंगे। तो हम तो सरकारी खर्च पर पलते रहेंगे, वो गरीब हैं, कब तक केस को लेकर चलेंगे? केस नहीं चल सकेगा, केस ठप हो जाएगा और हम आज़ाद हैं। तो यही इस मुल्क का निज़ाम है, यही सिस्टम है, और इसी को इस्तेमाल किया जाता है, इसी के साथ खेला जाता है। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के वाकयात को हमेशा हमेशा के लिए रोका जाए, और रोकने के लिए इस तरह के अफराद को करार वाकई सजा दी जाए, ताकि सबके लिए मिसाल कायम हो जाए, और कोई ऐसा करने का सोचने से पहले भी सहम जाए कि अगर ऐसा करूँगा तो मैं इससे छूट नहीं पाऊँगा, मुझे आज़ादी नसीब नहीं होगी, और मैं अपने किए की ज़रूर सजा पाऊँगा। ये जब तक हम करके नहीं देंगे, मिसाल कायम नहीं करेंगे, तब तक इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को प्रोग्राम हम लोग से दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद।